वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज हम 8.2 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो प्राप्त हो सके। तो सबसे पहले 8.2 जो है उसमें सबसे पहले महत्वपूर्ण सवाल में हम चलते हैं। 8.2 का जो सेकंड नंबर का सवाल है, सेकंड सवाल है 2 tan² 45° प्लस cos² 30° माइनस sin² 60°। तो सबसे पहले देखिए सॉल्यूशन 2, टेन 45 का मान होता है 1 और 1 का स्क्वायर, क्योंकि टेन 45 का मान कितना दे रखा है इस पर 1, और cos 30 का मान होता है √3/2। इस cos 30 का मान होता है 1/2, अगर इसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस sin 60 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। तो 2 को अगर हम लिखें, 1 के स्क्वायर 1 होता है 2 × 1 प्लस में √3 का स्क्वायर, इस रूट से ये कट जाता है तो बचेगा 3। इस 2 का अगर स्क्वायर हम करेंगे तो इसका नहीं कटेगा, तो इसका 2 का स्क्वायर मतलब 4, माइनस इससे ये कट जाएगा इस तरीके से 3, और इस 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा हमें 4। तो ध्यान से देखिए, 2 × 1 = 2 प्लस 3/4 माइनस का 3/4, इस 3/4 से कट जाएगा, क्या बचेगा 2। यह हमारा फाइनल आंसर होगा इस तरीके से, यह हमारा 2 आंसर है। नेक्स्ट हमारा सवाल है cos 45/sec 30 प्लस में cos 31। हम cos 45 का जो मान है वो सारणी से देख सकते हैं, और मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है कि cos 45 का मान कैसे निकालते हैं, sec 30 का मान कैसे निकालते हैं, cosec 30 का मान कैसे निकालते हैं। तो cos 45 का मान जो होता है, cos उल्टा किसका होता है, sec का, cosec का उल्टा होता है, ठीक है। sec 45 की अगर हम बात करें तो उसका मान अलग होगा। cos 45 का मान जो होता है, सबसे पहले ध्यान दें, जो cos 45 का मान होता है वो होता है 1/2। अगर जैसे हम मान लो साइन 45 का अगर हमें याद है, तो साइन 0 का मान 0 1/2, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, तो और साइन 60 का मान √3/2 होता है, और साइन 90 का मान 1 होता है। अगर हम इसमें कोस 0 का मान, इधर से कोस 0 आ जाएगा, इसका कोस 30 आ जाएगा, इसका जाएगा कोस 45, तो हमें कोस 45 का मान चाहिए 1/√2 होता है, ठीक है, बटा में सेक 30 का मान, कोस 30 का मान होता है √3/2, तो सेक 30 का मान होगा 2/√3 प्लस में साइन 30 का मान होता है 1/2, ये साइन 30 का मान है 1/2, तो कोसेक 30 का मान होगा 2/1। ये आप सारणी से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अब इसको हम सोल्व करेंगे, ये जो पूरा ऊपर है ये 1/√2, इसी प्रकार से हम लिखेंगे 1/√2 बटा में 2 को इस 1 से गुना करेंगे 2, प्लस में 2 को इस √3 से गुना करेंगे आ जाएगा 2√3, आगे √3 को 1 से गुना करेंगे आ जाएगा √3, आगे क्या करेंगे 1/√2 इसी प्रकार से रहेगा इनटू में, ये तो नीचे की संख्या है, ये ऊपर जाकर बदल जाएगी, 2 प्लस में 2√3 जो है वो ऊपर आ जाएगा, और ये जो √3 है, चलिए एक मिनट, √3 ऊपर आ जाएगा और 2 + 2√3 ये नीचे आ जाएगा इस तरीके से। आगे देखिए, √3 को 1 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा √3, आगे बटा में
रूट दो जब इस दो से गुना आ जाएगा, रूट तीन बटा रूट दो आ गया, ऐसे रहेगा। इसमें से हम दो कॉमन लेंगे, दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक और यहाँ पर बचेगा रूट तीन। इस तरीके से हमने यहाँ से दो बाहर निकाला है बस, और इनकी जगह एक एक बच जाएगा। तो अब रूट तीन का आगे ऐसे कैसे ही, दो रूट दो ऐसे कैसे ही, और इस एक प्लस रूट तीन को लिख सकते हैं आप रूट तीन प्लस में एक, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हम रूट तीन का सॉरी रूट दो का रोट रूट दो वे अंडर रूट तीन प्लस में एक का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर अंडर रूट तीन ऐसे कैसे ही, इस रूट दो का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर भी गुना हो जाएगा ये रूट तीन रूट दो, और ये नीचे भी गुना हो जाएगा रूट दो एक बार और गुना हो जाएगा ये, और इसका परिमेयकरण अगर करेंगे अंडर रूट तीन प्लस एक का तो ये ऊपर भी गुना हो जाएगा अंडर रूट तीन माइनस का एक, चिन्ह चेंज हो जाता है, और नीचे भी जाएगा अंडर रूट तीन माइनस का एक। आगे देखिए, रूट तीन बटा में दो रूट दो गुणा में लिखेंगे, इस रूट दो का परिमेयकरण कर रहे हैं, हमने लिख रखा है यहाँ पर रूट दो, नीचे भी रूट दो, फिर उसके बाद गुणा में। अब हम रूट तीन माइनस एक का, इसका रूट तीन प्लस एक का परिमेयकरण करेंगे तो ये चिन्ह बदल जाता है, तीन प्लस एक उसके बाद इसका परिमेयकरण करने पर तीन माइनस एक आ जाएगा नीचे भी और ऊपर भी। इसका परिमेयकरण किया हमने, इसका माइनस चिन्ह करके दोनों ऊपर नीचे, अब इसको हम काट भी सकते हैं। आगे देखिए, रूट तीन और रूट दो, ये रूट तीन इस रूट तीन से गुना होगा और ये रूट दो भी होगा, तो रूट तीन इस रूट तीन से गुना होगा तीन बचेगा, रूट दो इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा रूट छः, तीन रूट छः। अब रूट तीन और रूट दो को गुणा करेंगे तो आपस में इस तरीके से, रूट तीन को अगर हम रूट दो को गुणा करें तो रूट के अंदर इसको हम छः लिख सकते हैं इस तरीके से। तो आगे अब ये रूट छः इसको एक से गुना करेंगे तो आ जाएगा कितना, रूट छः, तीन रूट छः माइनस रूट छः बटा में दो, रूट दो को रूट दो से गुना करेंगे आ जाएगा खाली दो। अब हमने जो सूत्र बना रखा है ए प्लस बी ए वाला, ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इन दोनों की जगह आप लिख सकते हैं इनटू में अंडर रूट तीन का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, रूट तीन रूट छः माइनस रूट छः, सॉरी एक मिनट, तीन रूट दो जो है ना ये तीन रूट दो आएगा इधर, तीन रूट दो एक मिनट, क्योंकि रूट तीन और रूट दो जो है ना, रूट तीन को इस रूट तीन से गुना करेंगे तो खाली तीन आएगा, तीन रूट दो आएगा, सॉरी तीन रूट छः दो माइनस रूट छः, दो दूनी चार इंटू में रूट तीन के स्क्वायर से कट जाएगा, तीन बचेगा, तीन माइनस एक का स्क्वायर एक, तीन में से एक गए दो, तीन रूट दो माइनस का अंडर रूट छः बटा में चार इंटू तीन में से एक गए दो, चार दूनी आठ, तीन रूट दो माइनस का रूट छः बटा में चार दूनी आठ, ये हमारा यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा।